और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही जमीन तैयार होनी शुरू हो गई है और साथ ही ऐसे मुद्दे चर्चा में हैं जो चुनाव में जरूर उठेंगे। अब चाहे वो बात हो राम मंदिर मुद्दे की, या फिर जिस तरह से ग्रेटर नोएडा में दादरी कांड हुआ, या फिर ताजा विवाद मथुरा हिंसा से जुड़ा। और इन सभी मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ से। मथुरा की घटना और अकलाक मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, मथुरा में जिस ढंग से घटना हुई है, सवाल उठ रहे हैं। उमा भारती जी ने भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग कब्जा जमाना चाहते थे जय गुरुदेव की संपत्ति पे, इसलिए पूरा ये सब किया गया। जो कुछ भी वहाँ पर मथुरा में हुआ है, हर व्यक्ति जानता है कि जय गुरुदेव के जो वहाँ पर उत्तराधिकार का विवाद चला है, उनके ड्राइवर को उनका उत्तराधिकारी बनाने और उस ट्रस्ट का मूल ट्रस्टी कौन है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव हैं, रामवृक्ष यादव के और इस सरकार से जुड़े हुए मंत्रियों के क्या संबंध हैं, ये जाहिर है। पूरी घटना के लिए यह सरकार जिम्मेदार है, पुलिस के अधिकारियों की निर्मम हत्या के लिए सरकार जिम्मेदार है। यह हत्या हुई है, यह कोई उसको ये नहीं बोल सकते कि सीधे सीधे हत्या है अधिकारियों की, पुलिस के अधिकारियों की हत्या की गई है वहां पर। नहीं, पर ये मोहरा किसका था, रामवृक्ष यादव, और दो साल तक वहां पे ये लोग डेरा डाले रहे, कब्जा किए गए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इन्हीं सब तथ्यों को सामने आना चाहिए, इसी के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की, क्योंकि प्रदेश की एजेंसी पर प्रदेश सरकार का स्वयं भरोसा नहीं है। आपने विसाड़ा के मामले को देखा होगा कि जब फॉरेंसिक जांच आई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपनी एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। इसलिए इन सब बातों के लिए केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच की कराई जानी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ सके। चुनाव भी सर पर है, उत्तर प्रदेश के थोड़ा ही समय बाकी है, तो क्या चुनाव में जिस ढंग से राम मंदिर मुद्दा भी उठ रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, 2017 में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है, तो क्या चुनाव में राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा? नहीं, राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के द्वारा जो फैसला दिया गया है, उसमें यह बात प्रमाणित हो जाती है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब ये प्रमाणित हो चुका है तो आखिर राम मंदिर बनना क्यों नहीं चाहिए? पहला में रहेगा मुद्दा ये नहीं, मुद्दा रहे ना रहे, सवाल ये कि राम मंदिर बनना क्यों नहीं चाहिए, और हम तो चाहेंगे जितनी जल्दी राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाए। कि चुनाव के इन मौके पे ये मुद्दा क्यों उठता है? हम चुनाव के इन मुद्दे इन वक्त पर नहीं उठा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने 2010 में भी 2014 में भी अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण हो, संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था और अपना एक निजी विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। योगी जी, असम में जिस ढंग से जीत हुई है बीजेपी की, वहाँ एक फेस लेके उम्मीदवार लेके गई थी सीएम का बीजेपी, उसको फायदा हुआ ऐसा मानना है बीजेपी का, क्या उत्तर प्रदेश में भी एक फेस लेके जाना चाहिए, चुनाव से पहले घोषणा होनी चाहिए कि ये हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है? देखिए, बीजेपी का संसदीय बोर्ड इन सब फैसलों को करने में सक्षम है और मुझे लगता है कि संसदीय बोर्ड में सभी अनुभवी लोग हैं, उनके पास व्यापक अनुभव है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उन्हें जो उचित लगेगा वो करेंगे। नहीं, आपकी राय में क्या होना चाहिए, क्या फेस लेके उतरने से फायदा होगा बीजेपी को? मेरा कोई अपना फैसला नहीं है, जो भी बीजेपी संसदीय बोर्ड का फैसला होगा मैं उनके साथ में। आप जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार है, क्योंकि आपका नाम भी चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? हम किसी पद के लिए कोई दावेदार नहीं है, मैं किसी पद के लिए कोई दावेदार नहीं हूँ। नहीं, अगर पार्टी आपको जिम्मेवारी सौंपती है तो? नहीं, देखिए जब सौंपेगी तब की बात अलग है, लेकिन फिलहाल मैं किसी पद के लिए कोई दावेदार नहीं। जिम्मेवारी संभालने को तैयार है? नहीं, मैंने कहा ना, मैं किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूँ, और भविष्य का क्या होता है भविष्य में बात करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन अश्विनी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।